Hi Bhadesh ji, welcome to Love is Cancer and Zen Oncorrect IO. This is our Cancer Healing Journey Talks where we invite speakers who have gone through cancer, maybe as patients, caregiver or survivor, to share their story so that other cancer patients and caregivers going through a similar journey can get inspired. So thank you for joining us. It's an honor to have you with us. Could you please introduce yourself and share your journey with us? Hi Divya. Can we talk in Hindi? Yes, of course. Mera naam Bhadresh hai. Thank you for this interview. Mera born Mumbai hua tha. Hamari family kafi saalon se wahan reh rahi thi. Hamara family zyada badi nahi thi. Papa ki wahan pe कंडीशन थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो थी वहां पे, क्योंकि वहां पे एक्चुअली पापा का बिजनेस थोड़ा बहुत टीवी शोरूम्स ये वगैरह पे वहां पे बेस था. और उस टाइम पे क्या था, हमारे वहां पे बहुत इश्यूज हो रहे थे रहने के लिए, काफी सारे इश्यूज. और वहां पे भी बॉम्बे में हम दोनों भाइयों को पढ़ाना इट सेम टाइम और सेम टाइम बिजनेस भी खड़ा करना बहुत मुश्किल वाली बात थी. बट मुझे याद है आज तक उन्होंने कभी भी कोई चीज, मतलब मैंने नहीं देखा इतने सालों में कुछ उन्होंने किसी भी चीज का, वो क्या बोलते हैं, व्यसन हो किसी भी चीज की, वो उनको आदत हो या हैबिट्स हो, कुछ भी नहीं. उनकी एक आदत थी जो मुझे रोज पसंद आती थी एक्चुअली. वो एवरी टाइम, हर रात वो जब भी खाना खाने घर आते थे काम से, तो उनकी जेब में या उनकी बैग में हर टाइम एवरी डे में कम से कम 3 या 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट होते ही होते थे. वो कहीं भी कुछ डॉग्स दिख जाते, स्ट्रीट डॉग्स, तो वहां पे बैग नीचे रख के बिस्किट निकाल के पहले उनको खिलाते थे. और मैंने ये भी देखा है कि कहीं पे भी आके कभी कभार बहुत लेट आते हैं, तो कभी कभार कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं भी दिखते, तो वो तब तक वेट करते है कि जब तक कोई दिख नहीं जाता उनको खिला के फिर घर पे आते. वो उनकी कुछ आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी. हमने काफी, मतलब बॉम्बे हमने, मैंने 7th या 8th स्टैंडर्ड तक मैंने स्टडी वहां पे की हुई है. तो उसके बाद मैंने 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने अपने हमारी जैन धर्मशाला, जैन क्या बोलते हैं, हॉस्टल है पालीताना, मैंने वहां पे हमने थोड़ा स्टडी किया हुआ था. वहां पे हमको स्टडी करने के लिए भेजा गया था. एक्चुअली मेरे ग्रैंड मदर थे वो बहुत धार्मिक थे, उनको धर्म से बहुत ज्यादा ही लगाव था. मतलब और हम सब लोग टोटली डिफरेंट थे, मतलब लगाव था पर इतना भी नहीं कि हर बहुत सी चीज हम जानते ही नहीं थे. तो उनकी इच्छा ये थी कि अगर कहीं पे भी भेज रहे हो बाहर पढ़ने के लिए, तो स्पेसिफिकली जगह वो ऐसी हो कि वहां पे उनको धार्मिक नॉलेज भी मिले. तो हमको वो एक चीज, एक सेकेंड, हाँ, हमको वो एक चीज फॉलो करनी पड़ी. सब कुछ सही जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे ही मैं और मेरे भाई, हम दोनों, मेरा भाई बड़ा है 3 साल मुझसे एक्चुअली. मेरे पालीताना शिफ्ट होने से पहले भाई पहले वहां पे 2 साल पहले भाई शिफ्ट हो गए थे वहां पे सेम हॉस्टल में. तो वो क्या, बचपन से वो ना थोड़ी बहुत उन भाई के साथ क्या बोलते लगाव बहुत था उनसे. कुछ भी होना, दिन भर झड़ाई लगड़ा, झगड़ा लड़ाई कुछ भी चलता रहता था. पर हर 15 मिनट में ना, भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, सेम दोनों को ऐसा था. भाई चला गया था 2 साल से वहां पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था. मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैं कर रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, बॉम्बे छोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस उधर जाना है. तो मैं भी वहां पे चला गया. 3 साल वहां पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बॉम्बे की लाइफ और गुजरात की लाइफ टोटली डिफरेंट, क्योंकि सब कुछ डिफरेंट है. रहने रहने सी रहने रहनी करनी जो बोलते हैं, स्टाइल टोटली डिफरेंट, फूड डिफरेंट, वहां पे जो कल्चर है वो सारे डिफरेंट. और कभी कभार तो क्या होता है कि प्रॉपरली जो गुजराती लैंग्वेज होती है ना, वो समझ में भी नहीं आती स्टार्टिंग में. मैंने तो बहुत भी वो चीजें फेस की हुई है काफी सारी. हमने 3 साल मतलब हॉस्टल में गुजारे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी.
पापा ने भी सोचा कि चलो बच्चों को गुजरात जम गया है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो पापा ने भी सोच के रखा था कहीं ना कहीं। तो मम्मी की फैमिली वाले साइड ने, सबने पापा को इंसिस्ट किया कि अब आप भी एक बार गुजरात शिफ्ट हो ही जाओ, बॉम्बे में रह के थोड़ा फैमिली भी दूर है वहां पे, क्योंकि हमारी सारी फैमिली साइड गुजरात में ज्यादातर है, और पापा की साइड फैमिली भोकर नांदेड़, मतलब गुजरात साइड, मतलब आंध्र प्रदेश बॉर्डर साइड है उनकी फैमिली, तो काफी डिफरेंट। हमारी फैमिली सब जगह से मतलब अलग हो जाती थी, तो सबने इंसिस्ट भी किया कि एक बार आप आ जाओ, गुजरात भी आ जाओ, तो हम साथ में रह लेंगे, कुछ ना कुछ आपको गुजरात में भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी बहुत सारी, और आप यहाँ पे पीसफुली रह भी सकते हो। तो हम लोग हॉस्टल में थे, तो पापा के लिए बेस्ट टाइम था कि वो गुजरात शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उनके सर पे उस टाइम नहीं थी 3 साल, तो पापा ने गुजरात शिफ्ट करने का फैसला लिया। 1 साल में पापा अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद उन्होंने 2 या 3 साल स्ट्रगल किया, बट क्या है कि टोटली लाइफ डिफरेंट, पीपल्स, मुंबई की पब्लिक और गुजरात की, अहमदाबाद की पीपल्स बहुत डिफरेंट है, क्योंकि काम करने में उनकी इतने साल से जो वो बोलते हैं ना, लय बैठ गई थी, ढब बैठ गई थी कि इस तरीके से ही काम करना है, इस तरीके से ही काम होता है यहाँ पे, इस जुबान से काम होता है, इस मेथड से काम होता है, वो मेथड और यहाँ की मेथड टोटली उनको डिफरेंट हो रही थी, उनको जम नहीं रहा था, तो फिर वापिस भी नहीं जा सकते थे मुंबई। तो मम्मी की फैमिली वालों ने, मामा ने, उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, मामा का काफी सारा अच्छा बिजनेस है यहाँ पे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे काफी सारे बिजनेसेस है, तो आप वो कर भी सकते हो बस। तो पापा ने हमारे फ्यूचर के लिए वो सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि पापा को पसंद नहीं था कभी भी कि ये चीजों में, मतलब मम्मी की फैमिली वालों से हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, बट उनका थोड़ा वो था कि नहीं, जितना मैं करूँ अपने दम पे करूँ वो ज्यादातर रहेगा। पर पापा की क्या थी पता नहीं, उनको अंदर से ही थोड़ी वो कंडीशन ऐसी हो गई थी, वो बता नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए सोचा कि नहीं चलो मैं जा रहा हूँ तो इनका भी फ्यूचर कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए, तो उन्होंने शिफ्ट किया सुरेंद्रनगर। जैसे ही सुरेंद्रनगर शिफ्ट हुआ, कम से कम 2-3 महीने जैसे हुए होंगे, पापा रेगुलरली जाते थे ऑफिस से, आते थे भाई के साथ, और सडनली कुछ दिनों के बाद पापा को अचानक से बुखार या वीकनेस फील होने लगी, स्टार्ट हो गया, वीकनेस फील हो रही थी उनको, बुखार आ रहा था, तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो उन्होंने मम्मी को बताया। मम्मी ने सोचा कि चलो नॉर्मली होगा, तो ज्यादातर तो कुछ नहीं होता, शायद ये एटमोसफियर चेंज हो रहा है या पानी चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ शायद ऐसी हो सकती हो। तो मम्मी ने तो नॉर्मली सी दवाई दे दी, ठीक है, 1-2 दिन ठीक रहा, वापस 2-3 दिन बाद ये वहां से स्टार्ट हो गया था, ऐसे हर 3-4 दिन, 3-4 दिन ऐसा कुछ रहता था, मम्मी दवाई दे देती थी तो उनको ठीक हो जाता था। पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक से उनकी तबीयत एक दिन इतनी खराब हो गई, मतलब वो उठ ही नहीं पा रहे थे बेड से, ज्यादातर वीकनेस, और उनको पता नहीं अंदर से क्या फील हो रहा था वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो यहाँ पे कोई लोकल डॉक्टर है उनको दिखा देते हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स करवाए, डॉक्टर्स को भी जनरली कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने नॉर्मली रिपोर्ट्स करवाए, रिपोर्ट्स सब नील आए, क्योंकि कैंसर रिपोर्ट्स करवाए नहीं थे, नॉर्मली रिपोर्ट्स में सब नील ही आता है, तो उन्होंने बोला कि कुछ है नहीं, नहीं रिपोर्ट्स तो सारे नॉर्मल से, आप एक काम करो, ये थोड़ी बहुत दवाई अलग देता हूँ, ये रेगुलरली लो तो ठीक हो जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे मम्मी ने थोड़ा टाइम ट्रीट किया दवाई देके, फिर लोकल डॉक्टर ने भी ऐसे 1-2 महीने ट्रीट किया उनको, ठीक है उनका चल रहा था, काफी अच्छा हो गया था, फिर वापस उनकी वही दिक्कत उन्हें शुरू शुरू हो गई। फिर हमने थोड़ा सीरियसली लिया कि ये कोई और इश्यू है, शायद हम कहीं और दिखाए डॉक्टर्स को तो बेटर रहेगा, तो यहाँ के लोकल डॉक्टर्स को दिखाए 2-3, सेम प्रॉब्लम सेम इश्यू, अभी दवाई दे रहे थे तो एक बार तो हमें ट्रस्ट करना पड़ता है डॉक्टर को कि नहीं चलो एक बार इनकी बात तो सुन ले, इनकी दवाई ट्राई कर ले, अगर ओके हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर सेम डिसअपॉइंटमेंट सारे डॉक्टर्स से, मतलब पता नहीं चल रहा था अभी क्या करे। तो कहीं ना कहीं पता नहीं किसी ने हमें सजेस्ट किया था कि शायद ये कैंसर की रिपोर्ट एक बार आप करवा के देखो, शायद ये तो वो नहीं है,
हमने तो ये बात सुनी तब थोड़ा ये हो गया था कि नहीं भाई आप मत बोलो ये सब चीजें, आप अपना मुंह बंद रखो, ऐसे ऐसे हो गया था। पर हमने सोचा कि नहीं चलो कहीं ये अगर बात सच हुई तो हमने ऐसे फिंगर क्रॉस करके कहीं ना कहीं हमने रिपोर्ट करवाया। रिपोर्ट करवाने के बाद पॉजिटिव आया कैंसर, और पापा को लुकेमिया दिया। उनके व्हाइट सेल्स पता नहीं उन बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि उनके व्हाइट सेल्स उनके बॉडी में रह ही नहीं रहे थे, वो बर्न हो जा रहे थे। और विदाउट व्हाइट सेल्स बॉडी तो मतलब पूरी इम्यूनिटी पावर ही डाउन हो हाँ, जाता है विदाउट जीरो हो व्हाइट जाता है। सेल्स के। हाँ तो मतलब तभी हमको मेन रीजन पता चला कि पापा की ये हर छोटी छोटी बुखार आता तो बुखार ही था, और वो इम्यूनिटी पावर्स इतना स्ट्रांग नहीं रहता था ना, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे थोड़ा सा भी बुखार। तो हमको तब रीजन पता चला कि हाँ ये रीजन हो सकता है। तो हमने इंसिस्ट किया कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करे। हमने स्टार्टिंग में सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। सिविल हॉस्पिटल में पापा को एडमिट किया था, पर हमको वहाँ एटमोसफियर थोड़ा बहुत क्राउडी था, एंड इतनी शांत नहीं थी जगह वो कि कोई पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो पाए। तो हमने सोचा कि कोई अच्छी जगह हो तो पापा को वहां पे लेके जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर हमने कहीं ना कहीं हमें किसी ने बताया कि बड़ौदा से थोड़े किलोमीटर अंदर दूर एक गांव है छोटा सा, वागोड़िया करके, वागोड़िया गोरज गांव है। वहां पे यहाँ पे जो सिटीज में 5 स्टार मतलब उस लेवल की जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, जैसे स्टर्लिंग्स और ये जो हॉस्पिटल्स रहती है बड़ी बड़ी, वो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं ना, वो वहाँ पे वो फैसिलिटीज वो वहाँ पे हॉस्पिटल दे रही है। और वो बहुत पीसफुली जगह थी, कहते हॉस्पिटल थी हॉस्पिटल ही, पर उनको वहाँ पे बुलाते नाम मुनि आश्रम करके। हाँ वो जगह इतनी मतलब हाइजेनिक चीज हर चीजों में, मतलब वो जो हॉस्पिटल जो एरिया भी था वो मतलब एक्चुअली जो गांव बोलते हैं, गांव गांव से भी 1 किलोमीटर अंदर थोड़ी सी जगह में ही बना था वहां पे, और आजू बाजू कुछ नहीं, एकदम शांत, सारी ग्रीनरी थी। पापा को हमने सोचा कि नहीं ये बेस्ट जगह है, पापा को वहां पे एडमिट करवाया हमने। काफी अच्छा चल रहा था, उनको कीमोथेरापी चल रही थी। उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि पापा को व्हाइट ब्लड सेल्स ना रिक्वायरमेंट्स हर 3 4 दिन में पड़ जाती थी, हर 3 4 दिन में। तो हमने मुझे याद है आज तक हमने किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया है कि हमको व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत है। पता नहीं कहाँ से कौन डोनर कैसे आ जाता था, डोनेट करके चला भी जाता था, हमको पता भी नहीं चलता था। तो उस टाइम ऐसे लगा कि नहीं ये चीज एक करने जैसे कि अगर मैं ये कर पाऊँ अगर बड़ा होके। उस टाइम मैं टीनेजर था, अंडर 18 था, तो मैं ये नहीं कर पाता था कि मैं किसी को मन हुए तो ब्लड डोनेट डोनेट कर कर पाऊँ। सकूं। हाँ तो मैंने सोचा कि ये अच्छी चीज है, पर बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनको कि उन लोगों ने पता नहीं कहाँ से आके, क्योंकि मुझे जहां तक पता है उस टाइम पे इतना याद नहीं था, मुझे इतना याद नहीं अभी भी मुझे, और उस टाइम मुझे इतना पता है कि वहां पे जो नर्स थे ना उन्होंने मुझे बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स ना कि इसमें कम से कम 2 ब्लड बॉटल यूटिलाइज हो जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स निकालने में। मतलब ये मतलब एक डोनर का काम नहीं होता है, ये मतलब एक दो डोनर जो आते हैं वो बॉटल्स जो डोनेट करके जाते हैं उसमें से 2 बॉटल्स में से 1 बॉटल ब्लड हम व्हाइट सेल्स निकालते हैं, मतलब दोनों यूटिलाइज होता रहते हैं, क्योंकि 2 बराबर 1 है ये। तो मैंने सोचा मतलब जितना सोच रहे से उससे भी ज्यादा डोनर्स आए, मतलब काफी अच्छा था वहां पे। काफी सारे लोगों ने हेल्प की है हमें, पता नहीं किसने, जैसे मेरे मामा के साथ में ऑफिस में एक बंदा काम करता था, अभी ऐसे नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो लेबर वर्क करता था काफी सारे मामा की शॉप पे। तो पता नहीं उसको क्या लगाव हो गया था मेरे पापा से, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे जो भी करना है मैं यहाँ पे इनकी रखवाली करूंगा, आपको जो देना है वो फीस दे देना। मैं ऑफिस का उसने सारा काम छोड़ दिया था, लेबर वर्क करना, वो डेली डेली जो कमाता था उसी से वो घर चलाता था अपने। पर उसने पापा के साथ मतलब इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने, मेरे मामा को ही इंसिस्ट किया कि मैं वहां पे जाता हूँ उनके साथ रहता हूँ, आप ऑफिस पे बैठो चलेगा। मेरे पापा के साथ रहता था उस टाइम, उसने मुझे एक बात शेयर की थी
वो जो इंसान था जो शैलेश नाम है उसका, वो उसने मुझे एक चीज शेयर की थी कि वो काफी सारे मतलब ऐसे माहौल में वो पला बड़ा है ना, कि बचपन से मारा मारी दौड़ा दौड़ ये सब वो करते आ रहा था, पर जब उसने पापा से मिले, पापा से मिलने के बाद मतलब वो पापा के साथ हॉस्पिटल में कम से कम 4 या 5 महीने तक पापा के साथ रहा होगा, तो उस 5 महीने आने के बाद मतलब उसमें काफी सारे बदलाव देखे, काफी सारे मतलब वो इंसान अभी मतलब किसी से ऊंची आवाज में तक बात नहीं करता है। जो इंसान लेबर वर्क करता था वो आज अपना खुद के 2 बिजनेस बड़े बड़े डाल के बैठा है और अच्छी खासी कमाई कर रहा है भगवान की दया से, पर उसमें जो ड्रास्टिक जो चेंज देखा ना, इतना मैंने सोचा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, कोई कहीं ना कहीं किसी का तो अच्छा हो गया बैठ के। फिर जब मैं जो हॉस्पिटल पापा को एडमिट करवाया था, मैं पापा के साथ कहीं पे था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत छोटा था, मेरे से ऑलरेडी एक भाई बड़ा था, तो काफी सारी कहीं पे भी जाना होता था तो मामा भाई या मम्मी जा सकते, मम्मी जाते थे सब साथ में, तो मेरा घर पे रहना बनता था। मैंने हॉस्पिटल कभी देखा भी नहीं था, पापा से मिला भी नहीं था, यहाँ से गए थे तो गए थे वैसे ही, अच्छा रिपोर्ट करवाने गए थे अहमदाबाद, बस तब से मैंने नहीं देखा था, 2-2.5 महीने से मैंने पापा को नहीं देखा था, फोन पे बातें होती थी कभी कभार। फिर सोचा एक बार जाके मिल के आऊं, मैंने कभी देखा नहीं था, मिलने के लिए गया वहां पे। वहां पे जाने के बाद पता चला कि मतलब वहां पे जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, वो पापा के साथ इतना घुल मिल गया था कि कभी कभार अंदर रूम में मम्मी नहीं थी ना, तो वो लोग पापा को ट्रीट कर देते थे अच्छी तरह से, खाना वाना खिला देते थे या दवाई की बॉटल से वगैरह वो लोग खुद ब खुद चेक करते थे, मम्मी को थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती थी। पापा के बाजू में एक लड़का था, बहुत छोटा सा था, उसको पापा के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी। एक्चुअली वो बबच्चा कम से कम होगा 7 या 8 साल का ही, पर उसकी पूरी बॉडी में कैंसर की जो गांठ बोलते हैं, पूरी बॉडी में गांठ थी, 27 से 28 गांठ थी पूरी बॉडी में। पर वो बच्चा मतलब उसके चेहरे पे वो पेन दिख ही नहीं रहा था, कुछ कितना भी होता था कि सुई लगा रहे, वो हंसते हंसते बात कर रहे हैं डॉक्टर से, डॉक्टर आ रहे थे उनका स्टेटोस्कोप खींच लेता है, वो प्यार से बात करता है, तो नर्स से वो चिढ़ाता है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करता था पापा के साथ। बीच में मिरर था तो वो पापा को इजीली देख सकता था, तो शाम के 1 घंटे पापा के बोले दिन भर चाहे कितनी भी मस्ती करता हो, 1 घंटे पापा के साथ वो आराम से बैठता था। वो खाने के टाइम पे, उसकी मम्मी भी खाने के टाइम पे ना उनको पापा के जो मिरर था बीच में वहां पे चेयर डाल के वहीं पे बिठा के खिलाती थी, पापा भी उसके साइड मिरर के इस साइड पापा बैठते थे, तो कितनी भी चाय शरारत कर लेना दिन भर, तो वो खाने के टाइम पे पापा जो बाजू में बैठे ना, तो वो शांति से चुपचाप खाता ही है, मतलब बैठता है एकदम पीसफुली। वो पता नहीं इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी, पर मैंने ज्यादातर टाइम स्पेंड नहीं कर पाया पापा के साथ, क्योंकि 1 से 7 स्टैंडर्ड तो मतलब बचपन ही होता है, कुछ होता नहीं, पता नहीं चलता इतना टाइम। 7 to 10 स्टैंडर्ड हम हॉस्टल में रहे, 11th standard, 12th standard में अलग रहा अहमदाबाद में, पापा सुरेंद्र नगर थे, पापा फिर हॉस्पिटल चालू हो गए उनके चक्कर, और कम से कम उन्होंने 6-7 महीने हॉस्पिटल में निकाले होंगे, कभी कभार बीच में आते थे 1-2 बार तो मिलना होता था, फिर मिलना नहीं होता था ज्यादातर, 1-2 बार आते थे घर पे तभी मिलना होता था। और वहां पे ऑलरेडी मेरी मम्मी, मेरे नानी माँ और मेरे मामा ऑलरेडी वहां पे थे मामा का पप्पा का ख्याल रखने के लिए, तो ज्यादातर पर्सन अलाउड नहीं थे वहां पे, क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, तो हम लोग ने खुद ही ऐसा डिसाइड किया था कि अगर बहुत जरूरी है तो ही जाए मिलने, वरना ना जाए तो बेटर है। तो कम से कम एक बार मिलने गया था पापा को, वो भी रात को पहुंचा था, सुबह मिला 10-15 मिनट और फिर निकल गया था, क्योंकि अलाउ नहीं करते थे वहां पे। शाम को बस 15-20 मिनट मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं पापा को, मिला नहीं, 3-4 महीने हो गए हम जस्ट फोन पे ही बात कर रहे थे। फिर मुझे तो ज्यादातर याद है कि शरद पूनम की रात थी और हमको फोन आया कि डॉक्टर्स चेक करके गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने बताया है कि कल सुबह वो डिस्चार्ज कर रहे हैं पापा को। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि ऑलरेडी ये नवरात्रि चल रहे हैं और पापा को भी छुट्टी मिल रही है, तो काफी अच्छा लग रहा था।
तो मैं स्पेशली गया हुआ था नवरात्रि में बाहर, हमारे जो वहां पे फंक्शन होते हैं वहां पे, तो वहां पे गया हुआ था। वहां से पता चला कि पापा आ रहे हैं, पापा को लेने जाना है कल सुबह। तो मैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं फटाफट आ गया। बोला भले सुबह जाना हो, पर मैं रात को वो सब छोड़ के घर पे ही आ गया था। पर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक आधा घंटे में पापा को मतलब ब्लड की वॉमिटिंग हो गई अचानक से। मम्मी जब पता चला कि पापा की अचानक से ऐसे, मम्मी ने बताया कि पापा को ब्लड की वॉमिटिंग हो गई अचानक से और डेथ हो गई पापा की। मुझे तो मतलब पहली बार तो ऐसे सुनने में ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, मतलब कोई मजाक कर रहा है क्या, कि अभी बोल रहे हैं कि सुबह छुट्टी दे रहे पापा घर आ रहे हैं और अचानक से मतलब ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कुछ ऐसी आजू बाजू ये सब चीजें चल रही थी, वो सीरियसली नहीं रह रहा था। तो तब तक सब आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे सब लोग, जिन जिन को पता चल गया था कि पापा की डेथ हो गई है, तो सब लोग घर पे आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे। मैं फिर भी कुछ सीरियसली नहीं ले रहा था तब तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा था वो चीज। पर जब सुबह ना एम्बुलेंस आई, पापा की डेथ बॉडी मेरे जब सामने रखी गई, और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, शक्ल देखी ना पापा की इतने टाइम बाद, और ऐसे मतलब जो इतने पूरी रात से जो कंट्रोल करके रखा हुआ था ना, वो अचानक से मतलब वो कैसे दीवार तोड़ के वो ना भाव बह जाता है वैसे, मतलब ऐसे मतलब मुंह से चीख निकल गई पूरी, और मतलब इतना कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप रोया हूं मैं, क्योंकि वो चेहरा देखने के बाद ना कम्प्लीटली मतलब ब्लैंक हो गया था सब कुछ, कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। कोई ऐसे बोल रहा है कि अभी पानी पीना है, तो मतलब वहां से नजर हटे तो मैं कुछ ध्यान दूं ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इतना पता चल रहा था कि कान में कुछ शब्द पड़ रहे हैं, पर क्या थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, बस ध्यान ही उधर था कि हो क्या रहा है। मतलब कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा हूँ, और मेरा भाई तो लाइक ऐसे पापा पापा ऐसे करके उठा रहा था, पापा पापा ऐसे ऐसे करके। मतलब वो ना वो चीज कभी कभार क्या होता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, पर हमारे से जो बड़े होते हैं ना वो रो देते हैं ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते उनके सामने। तो वो चीज थी उसको मतलब थोड़ा वीक देख के ना मेरा भी इतना रोना निकल गया था। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं रोना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मम्मी की हेल्थ तो मतलब हालत बहुत खराब ही हो गई थी, क्योंकि ऐसी मतलब समझो कि ब्लड कैंसर था और मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई होती, तो इतना बड़ा शॉक नहीं लगता, क्योंकि हम प्रिपेयर थे कि पापा को ये प्रॉब्लम है। पर ये जब डॉक्टर ने बताया कि कल सुबह छुट्टी दे रहे हैं, तो मतलब अंदर से ना एक वो खुशी हो गई थी, और खुशी सडनली मतलब इतने मतलब टोटली ऑपोजिट डिरेक्शन में चली गई, कि वो अचानक से मतलब वो सह नहीं पा रहे थे, अचानक से मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक हो गए थे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। सब लोग थे, फिर कम से कम हमने बहुत वेट किया कि नहीं, हम छोड़ ही नहीं रहे थे पापा को, पर टाइम काफी हो गया था रात का, तो सुबह भी 9:30 बज गए थे सुबह। तो सब लोगों ने बोला कि अभी ज्यादातर रखने नहीं चाहिए पापा को। तो मैं फिर बिठाया, हमको लेके गए वहां पे, मैं मतलब हाथ ही नहीं चल रहे थे मेरे, हाथ ही कांप रहा था, मतलब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। जैसे डेड बॉडी पे वो पूरे बदन पे वो घी लगाते हैं पापा को अंतिम संस्कार करने के टाइम पे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अंतिम संस्कार करने में भी स्मशान में पहली बार गया हुआ था कभी मैं, वो भी अपने पापा की डेड बॉडी ऐसे देख के, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, टोटली ब्लैंक। वर्ड्स है ना वो निकल ही नहीं रही है वो फीलिंग्स, कि वो क्या बोल क्या मतलब देख रहा था, क्या महसूस कर रहा था, वो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या उस टाइम पे महसूस कर रहा था। और जैसे ही हमने वो धक्का लगाया इलेक्ट्रिक मशीन में, फिर जो मतलब वो होती है ना वो फीलिंग होती है ना कि ये अब इंसान कभी नहीं मिलने वाला लाइफ है, ये हमेशा के लिए गया। डेड बॉडी थी ना, तब तक ऐसा लग रहा था कि नहीं सामने है पापा सामने है, मतलब
पर वो जो धक्का दिया ना उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि नहीं वो अभी गए, मतलब कुछ भी हो जाएंगे अब वो नहीं आएंगे वापस। उस टाइम की ना वो फील ही अलग थी कुछ ऐसे ना बहुत स्ट्रांग। ऊपर क्या है कि वो एक फील ऐसी है ना कि वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहता मैं, कुछ भी हो जाए कि वो फील नहीं आनी चाहिए अभी दोबारा, वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा अभी। तो आपने ऐसी फीलिंग से फिर कोप अप कैसे किया, आप इससे कैसे निकले, और दूसरे जो कैगिवर्स हैं वो इस फीलिंग से कैसे निकल सकते हैं? एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इस चीज से बाहर निकलूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि ये इंसिडेंट ये बनने के बाद कम से कम एक डेढ़ साल तो ऐसा गुजरा ही है मेरा कि मैं हर रोज रात को मैं रोया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं रोया हूँ, इतना तो मुझे पक्का पता है कि एक दिन ऐसा खाली नहीं गया होगा। दिवाली के टाइम पे भी मुझे याद है ना कि मैं दिवाली के टाइम पे भी मैं रोया हूँ रात को। कोई भी फंक्शन हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, 1-1.5 साल तो मतलब मैं रोया ही रोया हूँ। उसके बाद ना कंप्लीटली चेंज हो गया हूँ, मतलब कंप्लीटली, मतलब पहले जितनी मस्ती होती थी, मस्ती मजाक से किसी से बात कर पाता था, अभी बहुत बहुत उसके बाद साइलेंटली हो गया था, 50-60% साइलेंट हो गया था हर चीज में। मतलब जितनी हो सके उतने कम बोलूं। वैसे कोई बोल रहा है कि हाँ ये करना है, हाँ ओके, हाँ डन, हर हर चीज मतलब छोटी से छोटी चीजों में ऐसे मतलब कंप्लीट कर देता था। 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर मन नहीं लग रहा था तो सोचा कि अभी कुछ ध्यान दूं, फैमिली को भी आगे बढ़ाना है, करियर पे थोड़ा फोकस कर जाए, तो सोचा अहमदाबाद चला जाऊं। अहमदाबाद वहां पे जॉब मैंने स्टार्ट की थी, जहां पे जॉब मैंने स्टार्ट की थी मुझे कुछ दिनों बाद पता चला, उनका नाम जीतू भाई है, जीतू भाई है, जितेंद्र कुमार लुनिया करके नाम है उनका। तो जनरली हमने 4-5 दिन तो ऐसे ऑफिस में काम किया, फिर वो हो जाता है ना कि ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है, तो हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको फेसबुक पे या इंस्टा पे मैं उन्हें उनका अकाउंट देखा था, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर मैंने उनकी पोस्ट देखी, तो पोस्ट में मुझे पता चला कि ये इंसान कर क्या रहा है, मतलब है एक्चुअली एरिया हॉस्पिटल वाला एरिया है, पर जहाँ ये जोकर बन के रहा है और बच्चों के साथ खेल रहा है, कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए थे, तो मतलब ये चीजें मतलब कभी दिखी नहीं थी कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो मैंने जस्ट उनको रात को टेक्स्ट किया कि मतलब ये क्या है भाई, तो उन्होंने बोला क्लाउनिंग। तो ये मतलब वर्ड एक ऐसा था ना कि मुझे एक टाइम पे मतलब कंफ्यूजन हो गया था कि मैं पूछू तो ये हंसेंगे तो नहीं मेरे पे कि एक तुझे नहीं पता क्लाउनिंग मतलब, पर मुझे याद है आज तक मैंने जितनों को बताया ना क्लाउनिंग, तो उन लोगों को कोई पता नहीं है कि क्लाउनिंग का मतलब क्या है एक्चुअली। पर फिर मैंने जब उनसे ऑफिस में मिला, बातें की, तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे ना एक्चुअली वर्ड्स में ऐसे नहीं समझा पाऊंगा कि वो एक्चुअली क्या होता है, एक काम कर तू सैटरडे ना ऑफिस पे हम छुट्टी ले लेते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं, तो न, मुझे ऑफिस से छुट्टी दिलवा के मुझे साथ में लेके गया क्लाउनिंग में। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा था कि हॉस्पिटल एरिया देख के वापस वो सब चीजें रिमाइंड हो रही थी मुझे, पापा की वगैरह वगैरह, पर नहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा था कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, चलेगा, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि 1.5-2 साल से ऐसे ही संभाल रहा था। तो जब हम वार्ड में एंटर हुआ, मैं वहां पे एक्चुअली मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, वहां पे ऑलरेडी क्लाउनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो जब मैं वार्ड में पहुंचा वहां पे तो मतलब देख रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं एक्चुअली मैं 5-10 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा ही था कि ये एक्चुअली ये वार्ड में नहीं आना था, किसी और वार्ड में जाना होगा शायद मुझे, पर नहीं 10 सेकंड बाद रियलाइज हुआ कि हाँ यही वार्ड है और यहीं पे आना था। काफी सारे वॉलंटियर्स थे तो जो मतलब एकदम साइलेंटली क्लाउनिंग हो रही थी, पता नहीं क्या, एक बंदा पीछे वहां से एक बच्चे के साथ थोड़ा बहुत खेल कूद रहा है जिसके हाथ में निडल थी, एक बच्चे कोई एक वॉलंटियर ऐसे धीरे 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 गोद में उठा के एक बच्चे को लेके जा रहा है,
उसके पैर में नीडल थी। मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा था। एक दो वॉलेंटियर्स ऐसे, दो क्लाउंस वहां पे बैठे थे एक बच्चे के बेड के पास, जो उठ नहीं पा रही थी, पर वो अपनी क्या बोलते हैं, पेंट ब्रश से उनके फेस पे पेंटिंग कर रही थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, अचानक से कोई बॉल के साथ खेल रहा है, अचानक से मतलब टोटली डिफरेंट फीलिंग थी कि हॉस्पिटल एरिया है पर कोई रो नहीं रहा है, सब हंस ही रहे थे। हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल टोटली जैसा नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं लग रहा था। तो मुझे ना फर्स्ट टाइम, मतलब मैं तो मतलब 20 मिनट तक एक ही जगह स्टक था कि शायद मैं हिलूं तो ये लोग मेरे साथ क्लाउनिंग ना कर ले, मुझे पेशेंट समझ के कि इतने, ये तो भाई हंस ही नहीं रहे, हंस ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। मैं 20 मिनट तक स्टक ही था। मतलब हर एक बंदे को मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मतलब कोई सोच ही नहीं रहा था कि मैं ऐसे ये पागलपन करूं तो कोई मेरे बारे में ऐसे जज करेगा कि मैं ये क्या कर रहा है। कोई नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी से बिंदास, जो करना था वो बच्चों को हंसाने के लिए, उनको जो ठीक पड़ रहा था वो सब कर रहे थे। फिर फर्स्ट क्लाउनिंग तो मेरी ऐसी रही थी, मैंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले थे ट्राई करो थोड़ा। वो क्या होता है कि ऐसी लाइफ में कभी चीज देखी नहीं थी तो वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो जैसे क्लाउनिंग खत्म हुई तो हमने सोचा कि चलो ठीक है नेक्स्ट बार आएंगे। हम निकल ही रहे थे पर सबने मुझे, हमने रोक लिया कि अब कहाँ जा रही है, अभी तो बाकी है क्लाउनिंग। बाहर बैठे सर्कल बना के बैठे थे सब लोग। तो उनका ये जो थॉट था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें नॉट ओनली क्लाउनिंग पर रियल लाइफ में भी करने की जरूरत है। जैसे क्लाउनिंग खत्म होती है तो जैसे वो सर्कल बना के बैठते हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी कि दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपने जो क्लाउनिंग में जो महसूस किया है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जो आपको अच्छी चीजें, अच्छी यादें हैं, और जो आपकी थोड़ी बहुत बुरी यादें भी है वो भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। उस टाइम ऐसा लगा था कि कहीं ना ये रियल लाइफ में भी हो तो ज्यादातर बेटर रहता है कि दिन खत्म होता है, दो तीन लोगों का सर्कल ऐसा एक होना ही चाहिए कि ना हम दिन खत्म होके ऐसे कुछ शेयर करें कि आज का दिन ऐसा रहा या आज का दिन ऐसा रहा। उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता पर उसका इम्पैक्ट इतना तो पड़ता है अच्छा कि वो दिन का जो भी भराव रहता है ना अंदर का वो निकल जाता है सब बाहर, मतलब मास और अंदर निकाल के से सब एक्सप्रेस कर सको। हाँ सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो। और उस टाइम पे क्या था कि मैं इतनी पब्लिकली में कभी रहा नहीं था, बहुत ही मतलब इंट्रोवर्टेड पर्सन था, ज्यादातर बोल नहीं पा रहा था पब्लिक में। मतलब जुबान लड़खड़ा जाती थी या ऐसे हो जाता था, कभी बोलू ना बोलू आवाज मेरी कट जाती थी बार बार बीच बीच में। पर जैसे वो लोग क्लियरली बता रहे थे ना, मैंने ट्राई किया कि नहीं चलो बताना तो है बताना ही है। फिर मैंने अपना अपन को इंट्रोड्यूस किया, मेरी मैंने मेरे पापा की जर्नी भी बताई वहां पे कि नहीं हाँ ये सब चीजों से मैं गुजर चुका हूँ पर ये टोटली चीज मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी। मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा था हॉस्पिटल आके, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी एक चीज थी कि मेरे जो पापा के बनने के बाद मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं गया, कभी भी नहीं। ये इंसिडेंट बनने के बाद मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया हूँ। मेरे कोई रिलेटिव्स भी कोई हॉस्पिटल एडमिट हुए ना तो मैं उनको घर पे जाके मिल लेता हूँ हॉस्पिटल आने के बाद, पर मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूँ कभी भी ये सब चीजें होने के बाद। पर ये क्लाउनिंग में आने के बाद मतलब लाइफ का ना पूरा यू टर्न हो गया था, पूरा यू टर्न। मतलब जो ट्रैक पे नहीं जा रही थी ना गाड़ी, अपने आप ट्रैक पे बैठ गई। मतलब सोचा एक दो वीक नहीं गया, फिर तीसरे वीक पता नहीं अचानक से क्या मन हुआ कि चलो चलते हैं। फिर क्लाउनिंग करने के लिए गए, फिर जो पागलपन से क्लाउनिंग की है स्टार्टिंग से, कुछ सोच के नहीं गया था कि क्या करना है, बस इतना सोचा था कि शायद उस जगह पे कोई मेरे पापा ही होते, अगर उनको जरूरत होती कि उनको हंसाने की जरूरत है तो मैं कैसे हंसा था। वही सब चीजें, वही सब मैंने ट्राई किया तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की कि नहीं काफी अच्छा कर रहे हो क्लाउनिंग, कि सब लोगों को मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कि नहीं किसी को खुश देखे भी अच्छा लगता है कि नहीं। ज्यादातर क्या रहता है कि बच्चे होते हैं, हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटल एरिया रहता है ना, कोई एंटरटेनमेंट होता है। हम इतने बड़े हैं हमको भी मोबाइल के बिना चलता नहीं है 2 मिनट के लिए, हर चीजों में फ्री होते ही मोबाइल या टीवी, या मोबाइल या टीवी। वो तो बच्चे हैं, उनकी तो ये खेलने की उम्र है। वो लोग ये सब चीजों में मतलब ये निडल पैर में निडल कहीं ना कहीं हो तो यहाँ से फूड की वो पाइप डाल देते हैं खाने के लिए,
यहाँ से लिक्विड की पाइप डाल देते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में मतलब ये सब चीजें, और फिर भी स्माइल करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे होते हैं ना, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि नींद में से उठ के भी वो लोग स्माइल नहीं करते, कितना भी उनके एफर्ट्स डालो ना, उनके लिए चॉकलेट्स ला दो वो ऐसे मुंह करके चॉकलेट ले लेंगे पर हंसेंगे नहीं। पर वो ना ये सब छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ ना, वो बहुत सीखने को मिलती है। मुझे वहां पे दिखी कि बच्चे कितने भी पेन में हो ना, तो हम जैसे एफर्ट करते हैं ना हंसाने के लिए उनको, वो स्माइल करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उनका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो ना, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीजों में, हमें अच्छा लग रहा है ये सब चीजें करके। तो वो ना एक अचीवमेंट था कि नहीं, लाइफ में कुछ किया ना ना किया, भले कुछ कमाए ना कमाए, बट ये जो चीज की ना उस वो मतलब क्या बोलते हैं, अचीवमेंट था आपके लिए, इसको किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब ये चीज को मतलब ये टोटली डिफरेंट ही थी, और काफी मतलब वो जोन से बाहर आ गया था, वापिस पुराना जैसा मैं मेरा बिहेवियर हो रहा था, हंसी मजाक ये वगैरह, काफी क्लाउनिंग में, मतलब क्लाउनिंग ने मतलब काफी मतलब चेंज कर दिया है। पर एक चीज मुझे सीखने को मिली है कि कितने भी बच्चों से मुझे ये सब भी चीजें सीखने की मिली है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए ना, जैसे बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, काफी सारे बच्चे ऐसे थे उनको ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, पर ना वो एक चीज उन्होंने सिखा है कि वो लोग ना कितना भी हो जाते थे ना, तो वो मन से नहीं हारते थे, वो लोग इतना ही सोचते थे तो यहाँ से निकल के ना मैं ये करूंगा, मतलब क्या दिमाग में ऑलरेडी उनके प्लान्स थे कि यहाँ से ये क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ से निकल के ना मेरे प्लान्स ऑलरेडी है, ये जैसे तैसे ये फटाफट खत्म हो तो मैं बाहर जाके कुछ अपने प्लान्स करूँ। होप हमेशा थी उनको। हाँ, वो जो उन्होंने माइंडसेट सेट कर दिया था ना, वो उनको बहुत हेल्प कर रहा था वो चीजों में से बाहर निकलने के लिए कि नहीं ये हो ही जाएगा। उनको ऐसा था कि हाँ ये डेफिनेटली खत्म हो जाएगा और मैं बाहर जाके, और काफी कभी कभार ना वो बोलते हैं ना कि समझदार ना हो ना तो अच्छा रहता है कभी, क्योंकि हम ये सब चीजों में अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या समझते, भाई ये तो कैंसर है, यहाँ से काफी सारे लोग कभी बाहर ही नहीं आए, काफी सारे लोग इसके शिकार बन गए हैं, तो हम वो अपना माइंड सेट कर देते कि भाई चलो अपनी लाइफ अभी 10 साल ही है, ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो उस माइंड सेट से ना वो और ये एक्चुअली में होता है, क्योंकि मैंने एक कभी मैंने काफी सारी बार ये एक मेरे लाइफ में एक ही बुक है कि मैंने 3-4 बार पढ़ी होगी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। Okay. उसमें ना हर चीज में पढ़ता हूँ ना एक बार, तो काफी सारी चीजें मुझे ना छोटी छोटी लाइन्स रहती है ना वो याद रह जाती है, कभी भी मुझे याद है ना तो मैं वापिस पढ़ लेता हूँ उसको, 1000 बार अलग अलग तरीके से सोचता हूँ कि हाँ ये इस वजह से भी उन्होंने बोला होगा, कि उसमें क्लियरली लिखा है कि जितना आप सोचते हो, जितना आप बोलते हो, आपका एटमोसफियर भी वैसा ही सेट हो जाता है। तो कभी कभार हम नहीं बोलते माइंड सेट आपका चेंज करो, ये बच्चों का माइंडसेट रहता है कि मैं यहाँ से निकल के वो करूंगा, तो वो जल्दी रिकवर हो जाते थे। हम समझदार होते थे, वो लोग ऐसे हिम्मत हजार देते हैं, ये सब चीजों में हिम्मत जितना बना के रखे ना उतना ज्यादा अच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएंगे। पॉजिटिव थॉट रखोगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं। आपने जब से ज्वाइन की तब से आप में क्या चेंजेस आए पर्सनली, आपको काफी क्या फील हुआ? एक्चुअली मेरा बचपन से ना सपना भी था सिंगिंग करने का, पर ऐसे कभी हिम्मत नहीं हुई कि कभी पब्लिक के बीच में ऐसे कहीं पे भी गाऊं, मैं शर्म आती थी, या मैंने पहले भी कहा ना कि मैं इतने प्राउडली या पब्लिकली एरिया में नहीं रहा, इंट्रोवर्टेड था, तो मतलब वो सब चीजें ना पहले से काफी सालों से ऐसे ही थी, तो मैंने दबा के रखी दी थी कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होना है। पर क्लाउनिंग ऐसी चीज है ना कि क्लाउनिंग करते के टाइम हर एक बंदे की नजर आप पे ही होती है, क्योंकि एक तो एरिया हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के एरिया में आप टोटली वियर्ड थिंग कर रहे हो जो हॉस्पिटल में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि हॉस्पिटल में ऐसी चीजें होती होंगी, और ऊपर से आप इतना मेकओवर या जोकर बन के आते हो, तो ऑलरेडी आप स्पॉट हो ही जाते हो कि सबकी निगाह आप पे ही रह जाती है कि नहीं हाँ ये है। तो वो कंप्लीटली मतलब
बिंदास एक दो बार स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि लोग देख रहे हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पर जाने दो, जो सोचते हैं सोचने दो, यहाँ पे आया है बच्चों को हंसाने के लिए, करने दो जो करना है। फिर जो फ्री फ्रेंकली जो ओपनली होके ना जो पागलपन की है, बच्चों को हंसाया है, बहुत खुश हुए है, तो उसमें ना वो काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आया है कि पब्लिकली ना ऐसे पर्सनालिटी भी काफी डिफरेंट हो गई है। पब्लिकली ऐसे कभी कभार किसी से बात नहीं कर पाता था, तो अभी बिना रोके इतनी बात कर रहा हूँ। काफी सारे पब्लिक्स के बीच में अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ। थोड़ा बहुत वो वियर्ड लगता था, पर अभी वो काफी अच्छा लगता है कि अभी ऐसा लग रहा कि हजारों की संख्या में भी भीड़ हो ना, तो हम अपने आप को इतना तो बता ही सकते हैं कि ना हम ये से है ये वगैरह। एज अ पर्सन आप बिल्कुल चेंज हो गए हो अब। टोटली अभी जो कैंसर पेशेंट्स है और कैरगिवर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और जो इंट्रोवर्ट है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा जहां तक मानना है ना कि इंट्रोवर्ट मतलब एक हद तक अच्छी चीज है कि आपको कुछ चीजें शेयर नहीं करनी है तो दैट विल बी ओके। बट अगर आपको इतना भी इंट्रोवर्टेड नहीं होना है कि हर चीज आप अपने आप को अंदर दबा के रखो, क्योंकि ना ये अंदर ना जगह कम है बहुत, ऑलरेडी इतना ही हार्ट दिया हुआ है, तो जितना भर के रखेंगे फिर इतना एक दिन ब्लास्ट ही होना है। और वो ऐसी चीजों पे ब्लास्ट होगा कि जहाँ पे आप अपने लोग होंगे, और वो आप वो बोलते हैं ना कि कहीं का बोझ कहीं कहीं पे पर आप उठा रहे निकलेगा। हैं, हाँ वो सब चीजें मतलब बहुत ही उल्टी हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे कुछ जमा ही ना होने दे, जैसे मैंने कहा आगे भी कि ना सर्कल ऑफ रिफ्लेक्शन एवरी डे आपको करना चाहिए कि सुबह आपने पूरा दिन ऐसे निकाला, शाम को आके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैंने ना कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी ने बताया था मुझे, मेरी एक फ्रेंड थी वो फिजियोथेरापिस्ट थी, फिजियोथेरापिस्ट या साइकेट्रिस्ट थी, उसने बताया कि वो लोग, उसका मैं सेशंस देखने गया था कि वो लोग क्या करते क्या है, वो जो सेशंस लेते हैं उसमें तो वो कुछ करते ही नहीं। मैंने दो तीन सेशंस देखे, बस जस्ट वो बात सुनते हैं, ना कोई ओपिनियन ना कोई सजेशन कि आप ये करो या ये दवाई, कुछ नहीं, जस्ट वो लोग बात सुनते हैं। तो वो चीज एक दिमाग में आई कि सिर्फ लोग अपने आप को ना हल्का करने ही जा रहे हैं, पब्लिक लोगों को ना अपनों के साथ जो बात शेयर नहीं कर पाते ना, वो लोग वहां पे जाके फिजियोथेरापी या ये साइकेट्रिस्ट को फीस देके वहां पे अपने आप को खाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक वो चीज अच्छी है, नहीं काफी सारे साइकेट्रिस्ट होंगे कि वो बहुत सी चीजें डाइवर्ट करते हैं पब्लिक को, बट ये बेसिक सी चीज है कि लोग करते यही है कि वहां जाके अपने आप को खाली करते हैं सबको कुछ बस। चाहिए होता है कि कोई उनको सुने बस। हाँ बस कोई उनको सुने, ऐसे दिन भर मोबाइल यूज करते रहेंगे पर शाम को ना दो लोग ऐसे नहीं होंगे कि जिनके साथ आप कुछ अपनी बातें शेयर कर पाओ। अगर वो ऐसे एक दो बंदे भी आपको मिल जाए ना दोस्त, तो भी बहुत सी चीज है। काफी सारे ऐसे लोग होंगे, मैंने काफी ऐसे लोग भी देखे कि जो अपने भले करियर में सक्सेसफुल ना हो और उनके फ्रेंड्स इतने रहते हैं ना कि शाम को वो लोग भले खाने के लिए ना चार लोगों के बीच में एक ही रोटी होगी, पर वो लोग ना इतनी हैप्पीली वो लाइफ जीते ना अपनी, कल की कोई फिक्र भी नहीं करते कि कल उठ के क्या करेंगे, ये एक रोटी नहीं आई नसीब में तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो वो माइंडसेट ना उनको काफी आगे ले जाता है और काफी उनकी हेल्थ भी अच्छी करता है। तो ये सब चीजें ये ज्यादातर ना शेयर कर लिया करो ना, कहीं पढ़ा था जो खुशी होती है ना वो बांटने से बढ़ती है और गम ना बांटने से कम हो जाता है। बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ वही कि खुशी ना जितनी बांटे उतनी बढ़ती है। जैसे हम इतने त्योहार आते हैं तो स्पेशली हम दिवाली के टाइम पे लोगों के घर जा जा के उनको बधाइयां देते हैं कि खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो मिलने से और खुशी बढ़ती है। तो वैसे ही दुख भी वैसा ही है कि जितनी जितना बांटे उतना कम हो जाता है। कि जैसे आप अकेले बैठे हो तो आपको मतलब इतना कोई चीज छोटी सी छोटी चीज भी इतनी बड़ी लगेगी कि अरे बाप रे,
कैसे हैंडल करूंगा कैसे हैंडल करूंगा, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो। पर ऐसे जब आप 10 लोगों के ग्रुप में, आप 10 फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में बैठ के ये सब चीजें शेयर करोगे, भले दोस्त होंगे पर एक चीज ना कोई ना कोई मजाक में लेगा या ऐसे मजाक में उड़ाएगा, तो वो चीज इतनी सीरियस नहीं हो जाती, वो इतनी एकदम मतलब लाइटली हो जाती है, इतना यहाँ पे लोड नहीं आता है, तो एकदम फ्री हो जाते हैं। ज्यादातर अच्छी बात है कि जितनी पॉजिटिवली रहे, जो होना है वो तो होना ही है, उसमें ना कोई कंट्रोल है ना कुछ नहीं। समटाइम्स मुझे किसी ने बताया था कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि आपको इफेक्ट इतनी करे, प्रॉब्लम आपको इफेक्ट तब करती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो उस चीज को। जैसे आप रिएक्ट करते हो उस चीज को, इतना सीरियसली रिएक्ट करते हो कि इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो वो प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे रोज बढ़ती जाएगी, भले प्रॉब्लम इतनी ही होगी पर वो आपके दिमाग में इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको लगने लगेगी कि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बड़ी है, पर वो प्रॉब्लम होगी भी नहीं इतनी बड़ी। जब सॉल्व होगी तो अपने आपको पता चल जाएगा कि अपने आपको कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो इतनी थी, छोटी थी, मैं खामखास इतना सोच के इतना बड़ा कर रहा था इस चीज को। तो काफी ऐसी चीज है कि ज्यादातर जितना ना सोचे बच्चे बन के रहे उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चे ना कभी भी कोई चीज करने के पहले ना सोचते नहीं है, वो जो करना होता है वो कर देते हैं, फ्री रहते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो वो जितना स्ट्रेस फ्री रहते हैं ना उतना तो मस्ती करते हैं, उतना वो फ्रीली रहते हैं, उतना हैप्पीली रहते हैं। सेम वैसे ही है, सिर्फ बड़े हो गए, समझदार ज्यादा हो गए, तो सब ज्यादा ज्यादा सोचने लगते हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जान के, और हैप्पी टू सी कि अब आप बिल्कुल चेंज हो गए और क्लाउनिंग ने आपको इतना चेंज कर दिया। थैंक यू। हम सब अब बच्चे रहकर, बच्चे बनकर रहकर फ्री होकर रहना सीखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।